नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आराधना चुमानी, खबर रीवा से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उक्त फैसले को लेकर सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। साथ ही राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी आक्रामक मूड में भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री को आड़े हाथों ले रही है। प्रदेश संगठन के निर्देश पर रविवार को कांग्रेसियों ने विवेकानंद पार्क में सत्याग्रह किया था। उसी के पूरे दिन सिरमौर चौराहे के पास राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने संकल्प सत्याग्रह शुरू किया है। इसी दौरान उपस्थित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक इस तरह से सत्याग्रह चलता रहेगा। करने इस संविधान की रचना की, हर इंसान को अधिकार दिया न सिर्फ बोलने का बल्कि इस जनतंत्र में हिस्सा लेने का। ऐसे समय में कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे और पूरा रीवा पूरा बिल्ड कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़ा है। इनकी सजा का कोई मतलब नहीं है, वो वीर योद्धा है जो भारत में पैदा हुआ है। और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का अधिकार न मोदी जी को है न किसी को है, कानून को थी। और कानून के तहत जो मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया था उसमें 30 दिन का समय दिया गया था अपील करने का। 30 दिन तो मोदी से पूरे होते, 24 घंटे में आप सदस्यता खत्म कर दिया। जब से रीवा में आए हैं तो समझ में आ गया है कारण भाजपा पार्टी को, और आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी हम लोगों ने छीना है देवलाव में। शुरुआत पूरब से हुआ है, जब पूरब से मार पड़ती है तो अच्छा दर्द होता है। देखिए, जैसा सब सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के लोकतंत्र के मजबूत पैरोकार श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को लोकसभा से अचानक से समाप्त कर लिया गया। एक अदालत के निर्णय को सहारा बनाया गया और उनकी सदस्यता को असंवैधानिक तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है। राहुल गांधी जी की गलती क्या थी कि उनकी सदस्यता खत्म की गई? वो केवल उन्होंने संसद में एक प्रश्न पूछा कि अडानी जी की शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए लगा है वो किसका? उन्होंने किसी के लिए अपमानजनक शब्द नहीं बोले। उन्होंने संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछा कि अडानी की शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपये लगा है वो किसका है? इस जवाब से बचने के लिए राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो की 3700 किलोमीटर की पदयात्रा की थी और देश का आवाम जिस तरीके से उनसे जुड़ा था, उससे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचलित हो गए। और इस विचलन के कारण उन्होंने आनन फानन में राहुल जी की सदस्यता समाप्त की। आज इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का जिला कांग्रेस कमेटी का ये धरना है। कल हमने सत्याग्रह किया था, आज हमारा धरना सत्याग्रह है और ये हमारे निरंतर चलता रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता।